नमस्कार, मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो बड़ी खबर है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के द्वारा लिए गए चुनाव 2024 और विधानसभा आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए तो तमाम फैसले लिए गए हैं, उन सभी फैसलों पर बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टियों में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मायावती ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो कि बहुजन समाज के लोग चाहते थे। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम आपको सभी खबरें विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे गरीब दलित शोषित वंचितों को लुभावने वादे करते हैं, उनको लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसी प्रकार से कांग्रेस सरकार भी कर रही है। लगातार कांग्रेस सरकार दलितों को लुभाने के लिए लगातार अथक प्रयास कर रही है। लगातार वो चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट एक तरफा राजस्थान में जिस तरीके से पहले चुनाव में मिला था, इसी प्रकार से इस बार आम विधानसभा चुनाव में मिल जाए। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी CM शिवराज सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, वो भी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। पर इस बार इन दोनों पार्टियों की दाल गलती नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंदन भी मैदान में हैं। उधर मायावती भी जो भी गतिविधियां या जो भी किसी भी प्रकार की कमी हो जाती है आकाश आनंद से, उन कमियों को मायावती जी पूरा कर रही हैं। मायावती जी अपने लोगों की आंखें खोल रही हैं, मायावती जी अपने लोगों को सावधान कर रही हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से। वो इसीलिए क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लगातार राजस्थान में कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी किसी तीसरे विकल्प को वहां पर इन दोनों पार्टियों ने पनपने नहीं दिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लगातार एक बड़ी मिलीभगत से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में और इस देश पर राज्य करती आई हैं। तो अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि मायावती ने अपने लोगों को सावधान किया है। मायावती ने 3 ट्वीट किए हैं। मायावती ने अपने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। मायावती ने जो पहले ट्वीट में लिखा है उस पर आपको गौर देना चाहिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा है, अगले विधानसभा आम चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस्म किस्म के लुभावने वादे किए जाने से चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है, किंतु प्रश्न यह है कि जो वादे जब किए जा रहे हैं वे पहले समय रहते क्यों नहीं लागू किए गए। इस प्रकार घोषणाओं में गंभीरता कम व छलावा ज़्यादा है। मायावती ने पहले ट्वीट में इन दोनों पार्टियों की पोल खोल दी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मायावती ने साफ पहले कहा कि जो पहले वादे किए गए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, वो तमाम तरीके के किस्म किस्म के वादे लुभावने वादे किए जा रहे हैं। जब पहले ही वादे पूरे नहीं हुए तो अब जो वादे कर रहे हो जनता से वो कैसे पूरे होंगे। मायावती ने इसी क्रम में ये कहा है कि इस प्रकार के घोषणाओं में गंभीरता कम छलावा ज़्यादा दिख रहा है, ये मायावती ने कहा है। दूसरे ट्वीट में लिखा है, देश की जनता महंगाई गरीबी बेरोजगारी व भ्रष्टाचार की मार से त्रस्त है, किंतु कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी दोनों जातीय गणना OBC व महिला आरक्षण को चुनाव में बुनाने में लगी हैं ताकि अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल सकें, लेकिन जनता इस छलावा मानकर अब और इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। मायावती ने साफ कर दिया, अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में जनता अब आने वाली नहीं है, क्योंकि OBC ST OBC को लगातार इनके हक वंचित से इनके हक अधिकार से ये दोनों पार्टियां दूर रख रही हैं, अपने लुभावने वादे इनके बीच पेश करके इनको गुमराह करने का काम करते हैं। इस तरीके की मायावती ने अपने लोगों को समझाया है। तीसरे ट्वीट में एक बड़ी बात लिखी, उन्होंने लिखा है, साथ ही जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांग्रेस का न्याय नया चुनावी सिगुफा, क्या आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने कभी भी अपनी पार्टी व सरकार इस पर अमल करके दिखाया, नहीं तो फिर इन पर विश्वास कैसे, जबकि BSP ने पार्टी व अपनी सरकार में इस सामाजिक न्याय को लागू करके दिखाया है। मायावती ने साफ कहा है,
कांग्रेस पार्टी किस देश में सरकार रही। तमाम राज्यों में अभी भी सरकार है, पर कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही जिसको जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। अभी कांग्रेस के बुरे दिन हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसकी जिसकी जितनी आबादी और उसकी उतनी हिस्सेदारी का सही मूल मंत्र किसी के पास है तो बहुजन समाज पार्टी के पास है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने 2007 से लेकर 2012 की सरकार में करके दिखाया है और जिनकी जितनी हिस्सेदारी थी उनको उतना हक मायावती ने दिया है 2024 में। तो मायावती हर तरीके से अपने लोगों को सावधान होने की बात कह रही हैं। इसी क्रम में अगली खबर चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद भी लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को माननीय साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर बिजनौर नगीना लोकसभा की धामपुर एक कॉलेज है, कॉलेज ग्राउंड में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि उस रैली में लगाया अनुमान ये जा रहा है कि लाखों की संख्या में भीड़ आ सकती है, क्योंकि हर विधानसभा हर जिले से बसें जा रही हैं और तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी आज़ाद समाज पार्टी के युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां वहां लोकल बॉडी भी नगीना लोकसभा में कर रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगह से बसें जा रही हैं, 75 के 75 जिले से बसें जा रही हैं। किस तरीके का माहौल 9 अक्टूबर को देखने हुआ ये देखने को होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हम भी बिजनौर नगीना धामपुर पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम को दिखाएंगे कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में कितना बड़ा सैलाब आया है या चंद्रशेखर आज़ाद के लगातार जो वादे किए जा रहे हैं उन पे कितना लगातार जो वादे कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद समर्थक समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं उनका उसको फल उनको कितना मिल सकता है। ये सब अनुमानित गणित आपके बीच सच्ची रिपोर्ट असली रिपोर्ट कवरेज करने के लिए हम भी वहाँ पहुँचेंगे। मेरा निवेदन है आप भी मिशन टीवी के फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यही मीडिया आपका मीडिया है, इसे मजबूत बनाना आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल यही बड़ी खबरें हैं। चंद्रशेखर आज़ाद माननीय साहब कांशीराम जी के पुण्यतिथि दिवस पर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं नवीना लोकसभा में। चंद्रशेखर आज़ाद का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है वो आप अपनी राय कमेंट में देना। 2024 लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद कितनी हद तक वोट प्रतिशत पा सकते हैं और आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के काम से आप कितने संतुष्ट हैं ये अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, उस सवाल का जवाब अगली वीडियो में आपको मिलेगा। जय भीम, जय भारत।